गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू द ब्यूटीफुल वेदर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कितना ग्रे वेदर हुआ हुआ है, क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, नो सनलाइट, और आजकल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दिखाई हुई नहीं थी रेन आज वेदर में, लेकिन फिर भी हो गई। चलें खैर स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग आज की प्रिपरेशन के साथ, एंड वी आर रेडी टू गो समवेयर। ये है मेरे बच्चों के आज के आउटफिट्स, और मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ ट्रांजिशन वीडियोस बनाने की, और इनाया यहाँ पर मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी, मेरी इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही थी। खैर आउटफिट बहुत ज़बरदस्त हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बच्चियों ने ट्विनिंग करनी है, और इनकी नेक लाइन बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत प्यारा वर्क हुआ हुआ था इस पर एज़ यू कैन सी। और ये रेयान का कुर्ता है जे डॉट का, दिस इज़ ऑल्सो सो ब्यूटीफुल, और ये पहनने के बाद भी बहुत प्यारा लग रहा था, सब ने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। चलें फिर लेट्स ट्राई टू मेक द ट्रांजिशन वीडियोस। बीइंग अ मदर सबसे पहले मैं अपने बच्चों को रेडी कर देती हूँ, और इनको रेडी करने के बाद इनको कार्टून लगा देते हैं, और फिर बारी होती है मेरे रेडी होने। और ये है मेरा आज का खूबसूरत सा आउटफिट, आई जस्ट लव दिस ड्रेस, एंड आज की थीम भी वाइट कलर ही है। बहुत ही खूबसूरत मिरर वर्क था एज़ यू कैन सी, एंड बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी थी, आई जस्ट लव दिस ड्रेस। तो खैर हम रेडी हो गए हैं एंड वी आर रेडी टू लीव। कौन नहीं है हले, कैन यू शो मी योर ड्रेस आउटफिट रियान? वाओ यू लुक सो ऑसम। थैंक यू। है आज नॉट एक्सपेक्टिंग बट हो गई है। इनाया अल्लाह हाफिज। इनाया का दुपट्टा है ना आपके पास? आज इनाया से ज्यादा इनाया के दुपट्टे की टेंशन हुई थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज हम जा रहे हैं हादिया की अमीन पर, उसने हमारी भांजी ने कुरान शरीफ खत्म किया है, तो हम उसकी अमीन पे जा रहे हैं ईद के फौरन बाद। यू कैन इमेजिन कि ईद गई है, ईद पर इतना फन हुआ, और आज अमीन है, और आज अमीन पर दोबारा से गैदरिंग। एंड जस्ट लुक एट द वाइट ड्रेसेस बिकॉज वाइट इज द थीम। तो भाई आप किसी को देखें ना देखें, आज आप बस यहाँ देखें, आज ये आलम साहब बने हुए हैं। आलम फैमिली का ये कुर्ता, ये उनकी परंपरा है। हाँ जी, व्हाइट कलर कॉटन का कुर्ता आलम फैमिली की परंपरा है। ये देखें आप, ये चेक देखें इसका। ओए होए 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 होए, आपने ग्लासेस क्यों उतार दी? नजर ना लग गया मुझे। हेलो हम पहुंच गए हैं। तो बस हम पहुंच गए हैं, और आते ही मैंने स्टार्ट कर दी अपने बच्चों की पिक्चर्स लेना। तो यहाँ मुझे एहसास हुआ कि बस टाइम की बात है। वो भी एक टाइम था कि जब मैं सिर्फ अपनी ही पिक्चर्स लिया करती थी। इतना शौक होता था मुझे ड्रेसअप होने का, अपनी पिक्चर्स क्लिक करने का, अपना शूट करने का, और अब मेरी गैलरी में दूर दूर तक मेरी कोई पिक्चर नज़र नहीं आती, सिर्फ इन बच्चों की आती हैं, क्योंकि अब यही है हमारी ज़िंदगी। एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स बनने के बाद आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, और आप रिश्तों को वैल्यू करना और भी ज़्यादा सीख जाते हैं। ASR prayer. आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाजमात नमाज अदा करना अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखती है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी हम गैदर होते हैं पूरी कोशिश करते हैं कि बाजमात नमाज अदा की जाए। Let me show you the impressive decor. इतना जबरदस्त फंक्शन हुआ था कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। आपको नज़र आ ही रहा होगा बुलाने वाले का खुलूस नज़र आता है जब कोई बुलाता है। बहुत अच्छा अहतमाम किया हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा लेट आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ,
मैंने सोचा कि आप लाइक करते हुए, शेयर करते हुए, कमेंट्स करते हुए, इवन सब्सक्राइब करते हुए इतनी कंजूसी करते हैं, तो चले हम भी थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। और बस सुस्ती के चक्कर में व्लॉग लेट एंड लेट एंड लेट ही होता चला गया। ये प्यारे प्यारे क्लिक्स हैं जो मैंने बच्चों को टेरेस पे बिठा कर डे लाइट में लिए थे, और सामने का व्यू तो आपने देख ही लिया है। किड्स परफॉर्मेंसेस। बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है बच्चों को सिखाने में, पढ़ाने में, लेकिन जब ये सुना देते हैं तो मेहनत पेड ऑफ हो जाती है। Came into. Not time, where words become melodies and souls find peace. Do a time. Time for the food. सारी परफॉर्मेंसेस तो आपने देख ही ली हैं, और दुआ के बाद अब लग गया था खाना, और खाना इतना मज़े का बना हुआ था, हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट, एंड इतने सारे आइटम्स थे, हर चीज़ में बुलाने वाले का खुलूस और मेहनत नज़र आ रही थी। कहने को तो बस एक दिन का फंक्शन होता है, पीछे उसके कितने दिन की मेहनत लगती है ये तो बस बुलाने वाले को ही पता होता है।
और ये था आमीन का फंक्शन। और आमीन का फंक्शन बिल्कुल आमीन की तरह बहुत ज़्यादा ग्रैंड था। कितने महीनों पहले प्रिपरेशन स्टार्ट होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स होती हैं, चीज़ें मंगवाई जाती हैं, और फिर कितने टाइम तक मेन्यू डिसाइड होता है, और ये टेंशन अलग कि हर चीज़ अच्छी बन जाए। आज की दावत के मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स ऐसे थे जो कि मेरे फेवरेट थे और मैंने बहुत ज़्यादा खाने को इन्जॉय किया। करती मैं ये हूँ कि खाने के पास पास बैठ जाती हूँ ताकि मुझे बार बार ना उठना पड़े और मैं इजीली फूड इन्जॉय कर सकूँ। मग़रिब प्रेयर। It's sweet treats o'clock. दावतों में मीठा होना हो, जिंदगी में मिठास होनी बहुत ज़रूरी है। आई मीन टू से आपके लहजे में, आपके लफ्ज़ों में, आपकी बातों में मिठास होना बहुत ज़रूरी है। तो बस मीठा खाया करें और मीठा बोला करें, लेकिन उतना ही जितनी आपकी सेहत इजाज़त दे। चॉकलेट कपकेक्स, वनीला कपकेक्स और बच्चों की तो सही वाली पार्टी हो गई थी देखने के बाद। एंड ऑल्सो वी हैव मैंगो केक एंड ट्रेस लेचे केक, दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट। जितना इसका नाम मुश्किल है उतना ही ज्यादा ये टेस्ट में मजे का होता है। It's gift giving time. कितने प्यारे से गिफ्ट्स रखे हुए नजर आ रहे हैं ना, इतने प्यारे प्यारे नेम्स के साथ और इतने प्यारे प्यारे स्मॉल स्टिकर्स के साथ जिस पर लिखा हुआ है आमीन मुबारक। हाउ मच इट टुक टाइम, हाउ मच इट टुक योर एफर्ट एंड किसको क्या कब कौन सा कैसा उसकी एज के हिसाब से देना है वो अलग काम है। मेरे बच्चों को गिफ्ट्स मिलने से लेकर बस खोलने तक का सफर मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है उनको कंट्रोल करना कि आई कांट इवन टेल यू। जैसे ही मिलता है फौरन आकर मेरे पास खड़े हो जाते हैं, हम खोल लें, हमने खोलना है। जैसे ही हर बच्चे को उसका गिफ्ट मिलता है उसके फेस पर एक्साइटमेंट देखने वाली होती है, लाइक स्माइल ही अलग लेवल की होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्रेशियस मोमेंट। और आज था एक और बड़ा जबरदस्त सरप्राइज। हर बार होता यह है कि बच्चों को ही गिफ्ट्स मिलते हैं और बड़े बेचारे मुंह देखते रह जाते हैं। कस्टमाइज्ड क्यूट एक्रेलिक बॉक्सेस जिस पर लिखा हुआ था आमीन मुबारक और इतनी खूबसूरत पैकिंग के साथ थे। जैसे ही मुझे मेरा बॉक्स मिला एंड आई ओपन इट तो मैंने देखा कि इसके अंदर थी तस्बीह, जिसे हम जिक्र काउंटर भी कहते हैं। एंड रियली इट वाज जस्ट सुपर क्यूट, आई जस्ट लव इट। अनरैपिंग गिफ्ट्स। तो अब आ गया है वो वक्त जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार है और मैंने बड़ी मुश्किल से रोक के रखा हुआ था कि पहले मैं वीडियो बनाऊंगी और फिर आप अपने गिफ्ट्स ओपन कर सकते हैं। इट्स हार्ड टू कंट्रोल देम बट अल्हम्दुलिल्लाह दे लिसन टू मी। रियान को मिली थी सुपर क्यूट रिमोट कंट्रोल कार, हनिया को मिला था ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर और खाली नहीं ज्वेलरी के साथ इसके अंदर बड़े प्यारे प्यारे क्यूट से इयररिंग्स थे, पेंडेंट्स थे, ब्रेसलेट्स थे। एज यू कैन सी, गुड बाय। ये था आज का प्यारा सा व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है एंड आई नो बहुत लेट किया है। सो इफ यू वॉन्ट कि मैं डेली बेसिस पर व्लॉग अपलोड करूँ या एवरी अदर डे व्लॉग अपलोड करूँ तो उसके लिए आप लोगों को एक्टिव होना होगा ताकि फिर मैं भी एक्टिव हूँ। If you like my vlogs, please don't forget to subscribe my channel. तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे next vlog में, और next vlog कब आएगा ये सिर्फ और सिर्फ आपके responses पर depend करता है। And guys, don't forget to remember me in your prayers. Allah Hafiz, stay positive.